फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज हम एक खूबसूरत सी कार पैच बनाएंगे इसका यूज़ आप बच्चों के स्वेटर में लगाने में कर सकते हैं और कुछ डेकोरेटिव पीस वगैरह बना रहे तो उसमें पे आप इसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से बनाना और मुश्किल से दो चार ग्राम ऊन में बन जाती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो कार को बनाने के लिए सबसे पहले हम पहिए बना लेते हैं तो देखिए मैंने पे ग्रे कलर का ऊन लिया है डार्क कलर के ऊन से आप पहिए बनाइए तो सेम से भी बना सकते हैं तो ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे इसको इस तरह से लपेटेंगे ठीक है और इसके बीच में से हम इसको निकाल लेंगे ठीक अब ये जो धागा है इसको आपको लेना है तीन चैन बनानी है देखिए एक दो तीन तीन के बाद हम इसमें ग्यारह डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए एक दो तीन तीन के बाद चार पच छ छ छ के बाद सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह हो गया अब देखिए ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी ना तो ये वाला जो ऊन है इसको हम इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे इसको पीछे कर देंगे और देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड चेन है थ्री चेन बनाई थी ना तो उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और छोटा सा ऊन निकाल कर इसको हम कट कर देंगे सिलाई करने के लिए क्योंकि ये सिलाई के लिए देखिए ये वाला जो ऊन है ये हमारे पास पर्याप्त है तो इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं इसे हम पीछे की साइड में इस ऊन से यहाँ पर हम गाठ लगा लेते हैं देखिए ठीक है टाइट नहीं लगाना है थोड़ा सा लूज ही रखना है ठीक तो ऐसे आपको दो पहिए बना लेने तो हम मैंने दो पहिए बना के रखे हैं अब हम कार की बॉडी बनाते हैं देखिए कार की बॉडी के लिए हम तेरह चैन बनाएंगे तो पहले गांठ लगाएंगे फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है तेरह चैन अब इसके बाद यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और चौथी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे सब में हम डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से ठीक है तो जितनी भी चैन है सब में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है सब में हमने डबल क्रोशिया बना लिया है और लास्ट वाले में हमें तीन बनाना है तो एक हमने बनाया है दो और बनाएंगे देखिए एक और ये एक और ठीक है अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे देखिए इस तरह से पे एक दो तीन तीन चैन फिर देखिए नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में तो सब में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेते हैं लास्ट तक ठीक है ये देखिए ये हमने सब में डबल क्रोशिया बना लिया देखिए लास्ट में ये हमारे पास एक और डबल क्रोशिया है तो इसी में हम बनाएंगे ठीक है जो चैन है ना जैसे नॉर्मल क्रोशिया वर्क में हमें जो चैन होती है इसमें बनाते हैं तो इसमें हम इसको नहीं बनाएंगे फिर यहाँ से आपको टर्न होना है देखिए यहाँ पर हम पहले तो एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से ठीक है एक स्लिप स्टिच एक दो तीन और ये चार ठीक है ये हमने चार स्लिप स्टिच बना ली अब यहाँ पे छः चैन बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छः चैन के बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए यहाँ पे तीन छोड़ेंगे एक दो तीन चौथे वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो ट्रिपल क्रोशिया है ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ठीक फिर छः चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः छः चैन और फिर देखिए यहाँ पे एक दो तीन छोड़ेंगे चौथे में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे देखिए नेक्स्ट में हम फिर से एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे देखिए ठीक अब यहाँ पे आपको एक चेन बना लेना है फिर इसका ये जो चेन बनाए इसमें हम छः सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। अभी देखिए एक स्पेस है तो हम यहाँ पे एक और बना लेंगे सात सिंगल क्रोशिया इसमें भी अब सात बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात हो गया अब देखिए इसको इसके बाद एक ये जो हमने जोड़ा उसके बाद एक छोड़ेंगे और लास्ट वाले में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एकदम जो लास्ट में ना देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और एक चैन बनाएंगे ठीक है अब चैन बनाने के बाद जितने भी हैं सब में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है ठीक है इस तरह से तो इसको बना लेते हैं हम लास्ट तक ये देखिए हमने लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लिया है लास्ट में एक और है यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फर्स्ट ये जो चैन है देखिए यहाँ पे थर्ड वाली चैन है इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच से जोड़ना है और ऊन को निकाल कर कट कर देना तो यहाँ पे सिलने के लिए भी थोड़ा सा ऊन आप रख लीजिए इसी से हम सिलाई भी कर लेंगे ठीक है तो देखिए ये हमारा कार बन के तैयार हो गया कारपेस्ट ठीक है अब इसमें पहिया लगाने हैं तो ये जो हमने देखिए ये पहिया बना रखा था तो इसको गांठ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सुई इंसर्ट कर रखी है ये जो धागा है इसको अंदर करेंगे और इसमें आपको सुई को निकाल लेना है ठीक है अब ये जो हिस्सा है ये आपका इस तरह से रहेगा यहाँ पर देखिए ठीक है इसको लेंगे हम और ये देखिए इस तरह से एक एक खाने में आपको इसे लेना है इस तरह से ठीक है ये देखिए ये देखिए अब यहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है क्योंकि अब ये जो है नीचे का हिस्सा जहाँ आप लगाएंगे उसमें लगेगा मैं भी आपको स्वेटर में लगा के भी दिखाऊंगी ठीक है और इसी तरह से दूसरा पहिया भी यहाँ पे अटैच करना है तो इसमें हम सुई को इंसर्ट कर लेते पहले ये देखिए सुई को ले लिया हमने इसमें और फिर से इसको अंदर करेंगे और जो लास्ट वाला है स्लिप स्टिच बनाई थी उसके अंदर हम सुई को निकालेंगे फिर इसको आपको यहाँ रखना है देखिए ये कॉर्नर यहाँ पर रहेगा इस तरह से देखिए ठीक है ठीक है अब आपको इसको जिसमें भी लगाना है उसमें आप इसे लगा सकती हैं तो देख सकते हैं खूबसूरत सी कार पैच हमारा तैयार हो गया है और इससे आपके प्रोजेक्ट की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी अगर बच्चों का कोई प्रोजेक्ट बना रहे टोपी स्वेटर तो मैं इसे स्वेटर में लगाने वाली हूँ ये देखिए मैंने एक बेबी स्वेटर बनाया है ये देखिए गोल गले का बेबी स्वेटर बनाया है अगर ये आपको सीखना है तो इसका लिंक मेरे दूसरे चैनल पर है वहाँ पर आप इसे जाकर देख सकती हैं मेरी शैली नीटिंग पे आप इसे सीख सकती हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर हमें ये पेज लगाना है इस तरह से तो इसको किस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने सुई को डाल रखा है स्वेटर पे आपको इसको इस तरह से रखना है ठीक इस तरह से रखना है नीचे हाथ लगाना है देखिए इस तरह से ठीक इसके बाद ये जो सुई है इसको पहले तो हम ऊपर निकालेंगे और इसको इस तरह से करने के बाद आपको ये जो सिंगल क्रोशिया है ना जो दिख रहा है आपको इसके अंदर इसे आपको इस तरह से सिलना है ये देखिए ठीक ऐसे सिलिए कि बिल्कुल भी झोल ना आए सॉरी ये देखिए इसको ऐसे दबाते जाइए और ऐसे सिलते जाइए इसको भी हम ठीक है अभी इसको आपको बीच में भी सिलाई करनी है ये ये वाला जो पोर्शन है ठीक है ये वाला क्योंकि अगर इस पर नहीं सिलेंगे तो ये उठा उठा सा दिखेगा तो इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबाना है इस ऊन को अभी बाहर रखिए इससे हम इसको सिलेंगे देखिए इस तरह से देखिए ठीक अब देखिए यहाँ पे भी आपको सिलना पड़ेगा देखिए ये जो है इसको आपको इस तरह से लगाना है और फिर से यहाँ से करके इस तरह से देखिए जो ऊन एक्स्ट्रा है उसे आप अंदर की तरफ हाइड करते जाइए ये देखिए ठीक है अब यहां पे पहले आपको पहिया सिलना है उसके बाद आपको कुछ और सिलना तो यहाँ पे हम सुई को निकाल के पहिए इस वाले ऊन में सुई को डाल देते हैं देखिए इसमें ये देखिए सुई को डाल दिया है तो इसको फिर इस पहिए हम निकालेंगे पहले ये देखिए ठीक है हुँ? अब इसको इसको ऐसे दबा के रखना है ध्यान रखिए इसको दबा के रखना है आपको ये इस तरह से इसकी सिलाई करनी है ठीक है देखिए और इसको पीछे की तरफ निकाल देना है और इसी तरह से इसको भी सिल लेना है ये देखिए दूसरा पहिया भी हमने सिल दिया अभी ये बाकी है तो ये जो ग्रीन कलर का धागा नीचे था उसे हम इस तरह से सिलेंगे देखिए इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ठीक है ये यहाँ पर है ये पहिया हम यहाँ निकालेंगे ठीक ये यह देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया अब इसे इस तरह से सिलना है देखिए सिलाई हो गई अब इसे आप पीछे गांठ लगा दीजिए कट कर देते हैं देखिए और इसी तरह से दूसरा पैच भी लगा लेते हैं देखिए पैच लगा लिया कितना खूबसूरत लग रहा है ना तो मुझे उम्मीद है आपको ये पैच पसंद आएगा पैच पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर स्वेटर बनाना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे चैनल मेरी शैली नीटिंग पे जाके आप इस स्वेटर को देख सकती हैं ये सिलाई से बुनाओ और बहुत ही आसान सी इसकी बुनाई है तो अभी अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे